पता ना उसको बता कि ये जो मेथड है, ये मेथड हम लोग क्या करेंगे, एक अलग अलग मेथड में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को इसको बताना पड़ेगा कि ये अलग में, इसको पॉइंट अलग से करना पड़ेगा, इसको पॉइंट अलग से करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने दिस ईयर रेफरेंस, दिस ईयर जो वर्ड है, कीवर्ड है, ये कीवर्ड अगर चीजें, मतलब कोई भी चीजें अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर रहती है या अलग अलग मेथड के अंदर रहती है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं दिस कीवर्ड का, हमने यूज किया। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ना लेते हुए मैं इसको एक एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाऊंगा, उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, आप लोगों को पता होगा वो चाहे प्रॉप रहे या फिर स्टेट रहे, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, दोनों का फॉर्मेट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग आएंगे। ओके, मैंने एक स्टेट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उस स्टेट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, हाँ अभी एरर क्या बोल रहा है, जब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इसीलिए मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह पे क्या करता हूँ, वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, आपने देखा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ से वैल्यू चली गई। ओके, क्यों चली गई वैल्यू मुझे बताइए, जबकि मैंने वहां पे अल्फा एकेडमी लिखा हुआ है, कि वैल्यू क्यों चली गई? सर, मतलब हमने जहाँ पर उसको बताया है नीचे वाले नीचे इनपुट बॉक्स में, वहाँ पे खाली दिस डॉट डेटा है, वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि हमने स्टेट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उससे हमने उसको कॉल किया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो आपने स्टेट नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर प्रॉपर्टी है डेटा नाम। ओके, तो उसको एक्सेस करते समय हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। जिस तो रेफरेंस हो गया, अगर मुझे ये डेटा है कहाँ पे, ये डेटा है स्टेट नाम की ऑब्जेक्ट में है, तो स्टेट डॉट डेटा लिखूंगा मैं। ओके, अगर मैं स्टेट डॉट डेटा लिखता हूँ, तो ये हमारी जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। आपने फिर से देखा होगा यहाँ पे, देखो अल्फा एकेडमी जो वैल्यू है, वो वैल्यू वहाँ पे आ गया है। ठीक है, यस ठीक, फाइन। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरीके से कोई भी वेरिएबल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन किया, देखो ये इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। ओके, तो कंस्ट्रक्टर है क्या, कंस्ट्रक्टर एक मेथड है जिससे आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को क्या कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। ओके, और वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एक क्लास के अंदर। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ओके, और उसको हम लोग इनहेरिट करने के लिए हम लोग सुपर नाम का हम लोग क्या करते हैं, मेथड लिखते हैं। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर हो गई, कंस्ट्रक्टर किस तरीके से लिखा जाता है, या फिर आप क्या क्योंकि था। अभी मैं सिचुएशन बताऊंगा कि कौन से पर्पस के लिए कंस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है। ओके, बेसिकली कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए दो ही पर्पस होते हैं, या कंस्ट्रक्टर को यूज करने का पर्पस दो ही हो सकता है। पहला तो मैंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो जब आप इनिशियलाइजेशन करोगे ऑब्जेक्ट का, तो आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्टर को यूज करोगे। ओके, दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी इवेंट को हैंडल करना है, ओके, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होती है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट ये स्टेटफुल होती है। आप कोई इवेंट परफॉर्म करते हो, जैसे क्लिक करते हो या फिर कोई चेंजेस करते हो, तो वो कंपोनेंट की स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, ओके, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कभी जब भी मैं एक इवेंट को बाइंड करता हूँ, तो ऐसे समय हम लोगों को इवेंट को बाइंड करने के बाद स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इवेंट बाइंडिंग करने के लिए भी हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। ओके,
इनिशियलाइजेशन तो हमने देख लिया, अभी हम लोग देखते हैं कि इवेंट बाइंडिंग किस तरीके से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, ओके, या फिर कैसे किस तरीके से इनिशियलाइजेशन हो जाता है, ओके। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग क्लियर करना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, मैंने आप लोगों को दिस नाम के कीवर्ड का एक सिग्निफिकेंस बताया कि वो क्या क्या करता है, ओके, वो क्या करता है, ओके। तो ये क्या करता है, ये एक रेफरेंस क्रिएट करता है। जब आप दिस डॉट स्टेट लिखते हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर रेफरेंस मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है, तो हम लोग दिस कीवर्ड का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ओके। तो दिस कीवर्ड यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया गया है, ओके। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओके, तो उसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि देखिए, अगर ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे कंपोनेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर लिखना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोगों ने वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नाम की जो ऐप बनाई, ओके, इंक्रीमेंट या काउंटर की जो ऐप बनाई, वहां पे काउंटर के ऐप में भी अगर मैं कहीं पे क्लिक करता था तो जो काउंटर की वैल्यू है, वो काउंटर की वैल्यू क्या होती थी, इंक्रीमेंट होती थी या बेस्ड ऑन द कंडीशन वो डिक्रीमेंट भी होती थी, राइट, यस ओके। तो इंक्रीमेंट भी हो पाती थी, डिक्रीमेंट भी हो पाती थी, लेकिन मैंने वहां पे कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया था, ओके। क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट था। क्या ऐसा जरूरी है कि हर एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट में अगर कंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ओके। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बिना कंस्ट्रक्टर के भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, बना बना पाते हैं, ओके। लेकिन कुछ चीजें जरूरी होती है। अगर देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये जो सुपर नाम का मेथड है, ओके, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और कोड को रन करता हूँ, तो एक वार्निंग आ रही है, यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, प्रोग्राम कंपाइल हो गई है। लेकिन रन टाइम में जब ब्राउजर ब्राउजर को आप अगर चेक करते हैं तो आपको एक एरर दिखाई देगी, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन अ डिराइव्ड क्लास, ओके। जब आप दिस यूज कर रहे हैं, दिस यूज कर रहे हैं, मतलब आप एक से ज्यादा मेथड एक क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा इंस्टेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इनिशियलाइज तो कर दिया आपने, लेकिन उसको दो अलग अलग चाइल्ड कंपोनेंट में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो उसके इनहेरिट करने के लिए सुपर मेथड को यूज करना जरूरी होता है, ओके। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सुपर नाम की मेथड को कॉल किया, ओके। तो जब भी आप अगर किसी भी ऐप की कंपोनेंट को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे सुपर नाम का मेथड क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ओके। तो सुपर का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया आपको, यस सर, ठीक है। तो मैंने सुपर नाम की मेथड को फिर से क्लियर कर, ओके, आपको देख रहा होगा, या ये आप अभी हमारी अच्छे से काम कर रही है, ओके। तो हमें ये पॉइंट्स देखे, ओके, फाइन। अभी हम लोग यूज करते हैं, ओके, कि ये जो सेट स्टेट है, ओके, ये सेट स्टेट का मेथड का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन हम लोग ये डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम लोग और तरीके से यूज करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा है अल्फा एकेडमी का, ओके, अल्फा अल्फा एकेडमी का जो डेटा मुझे वहां पे दिख रहा है, ओके, वो डेटा किसी भी तरीके से, वो जो बटन है, उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, ओके। इसीलिए मैं एक फंक्शनैलिटी लिखता हूँ इवेंट हैंडलर की, ओके। मैंने अभी तक यहाँ पे इवेंट हैंडलर नाम की फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है, अभी मैं एक फंक्शनैलिटी लिखता हूँ, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ओके। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडल इवेंट, हैंडल इवेंट, ओके। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एक एरर आएगी, एरर इसलिए आएगी क्योंकि आप मैंने हैंडल इवेंट को डिक्लेयर नहीं किया है, ओके। मैं क्या करता हूँ, हैंडल इवेंट को यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ओके, हैंडल इवेंट, ठीक है। हैंडल इवेंट में हम लोग करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और मुझे यही डेटा देखना है, जो मैंने डेटा बाइंड किया है वही डेटा मुझे देखना है, ये दिखाई देगा क्या?
नहीं सर, डेटा दिखाई तो नहीं देना चाहिए क्यों नहीं दिखाई देगा? सर, क्योंकि डेटा एक मतलब हमने डेटा को यूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया और हम यहाँ पर सीधे डेटा को कॉल कर रहे हैं। और ये दो को तो दो एरर दे रहा है, डेटा इज नॉट डिफाइंड, यस हैंडल सर, इवेंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, अगर मैं डेटा की जगह पे, ये डेटा कहाँ पे है, ये स्टेट के अंदर है, मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ ओके कि दिस डॉट डेटा, क्या ये डेटा दिखाई देगा? हैंडल इवेंट इज नॉट डिफाइंड, क्यों बोल रहा है हैंडल इवेंट इज नॉट डिफाइंड? सर हमको सर शायद से हैंडल इवेंट को भी सर रेफर करना पड़ेगा क्या? ये मेरे को पता नहीं है सर, ये क्यों किस कारण से आ रहा है। हाँ ठीक है ओके। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे डेटा लिखते हैं, हैंडल दिस डॉट डेटा लिखते हैं तो चलेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जब फंक्शन यूज कर रहे हैं आप ओके, इसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया है, एक कंपलसरी आपको क्या करना पड़ता है, इसको एरो फंक्शन से इंडिकेट करना पड़ता है। देखिए मैं इसको एरो फंक्शन में बदल देता हूँ। एरो फंक्शन में कैसे बदलते हैं, हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं ओके, सिंपल हम लोग इसको ब्रैकेट डाल देते हैं ओके, ये एक फंक्शन हो गया। पर एरो फंक्शन का सिंबल है, मैं इक्वल टू लिखता हूँ और ये साइन यूज करता हूँ, ये इसका मतलब है एरो फंक्शन यस ओके। सर, तो मैंने यहाँ पे दिस डॉट हैंडल इवेंट को दिस डॉट डेटा कर दिया ओके, एक एरर आ रही है, एरर क्या आ रहा है, फिर अभी एरर आ रहा है, हैंडल इवेंट इज नॉट डिफाइंड, क्यों आ रहा है एरर? पता नहीं है इस बारे में। क्यों एरर आ रहा है? हाँ चलिए देखते हैं हम लोग हमारे नोट्स में कि एरर क्यों आ रहा है ओके। देखो आपने, हमने बोला था कि हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किसी भी मेथड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी वेरिएबल को जब मुझे इनिशियलाइज करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का ओके। जैसे हमने हैंडल इवेंट नाम का एक फंक्शन लिखा, तो इस हैंडल इवेंट नाम के फंक्शन को मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा ओके। कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग देखते हैं ओके, कि डिक्लेयर कैसे करें ओके, इसके अंदर करूँ, इसके बाहर करूँ, कहाँ पे करूँ? सर इसको स्ट्रक्चर क्या है मतलब अंदर डिफाइन करना पड़ेगा है ना। अंदर डिफाइन करना पड़ेगा ओके। मैं एरो फंक्शन को फिलहाल हटा देता हूँ यस क्योंकि सर, अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है ओके ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करते हैं ओके। हैंडल इवेंट हमारा रेंडर मेथड के बाद में है ओके, और ये यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, ये फंक्शन का डेफिनेशन बोलते हैं हम लोग, और यहाँ से कॉल किया जा रहा है ओके। तो मुझे इनिशियलाइज करते समय इसको यूज करना पड़ेगा दिस डॉट हैंडल इवेंट ओके, मुझे यूज करना पड़ेगा दिस डॉट हैंडल इवेंट ओके। एक थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ओके। अभी इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पहले सबसे पहले तो बाइंड करूंगा। बाइंड कैसे करना है, ये इवेंट है ओके, इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग इसी को देखेंगे दिस डॉट ओके, दिस डॉट हैंडल इवेंट ओके, दिस डॉट हैंडल इवेंट ओके। एक एरर, एक वार्निंग ओके, एरर क्यों आ रही है हम लोग देखते हैं ओके। हैंडल इवेंट इज नॉट डिफाइंड, अभी भी वो बोल रहा है कि हैंडल इवेंट इज नॉट डिफाइंड ओके। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू जो हमने इंस्टेंट क्रिएट किया, ये जो इंस्टेंट हमने क्रिएट किया है, इस इंस्टेंट को मुझे बाइंड करना पड़ेगा किसके साथ में, इसके साथ में ओके। तो ये एक बाइंड नाम का एक मेथड होता है ओके। मैं आपको बताऊंगा कि बाइंड नाम का मेथड कहाँ से आया है। बाइंड नाम का मेथड जावास्क्रिप्ट से आया है ओके। वहाँ पे तीन इम्पोर्टेंट मेथड है जावास्क्रिप्ट में, एक है कॉल, दूसरी है अप्लाई और तीसरी है बाइंड ओके। किसी भी वैल्यू को अगर मुझे एज इट इज क्या करना है, बाइंड करके रखना है, तो हम लोग बाइंड मेथड का यूज करते हैं ओके। तो मैं क्या करूँगा, यही इसी इसको अगर मैं देखो यहाँ पे अगर डॉट देता हूँ, तो डॉट देने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पे तीन अलग अलग मेथड दिख रही होगी ओके। देखो अप्लाई मेथड आ गई, बाइंड मेथड आ गई, कॉल मेथड आ गई ओके। इसमें से मुझे कौन सी मेथड यूज करना है, हम लोगों को यूज करना है बाइंड मेथड यूज करना है ओके। तो
तो मैं क्या करूंगा, बाइंड मेथड को यूज करता हूँ, ठीक है, फाइन, ओके। बाइंड को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ओके। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके। एक एरर अभी भी है, एरर क्या है देखते हैं, ओके। हैंडल इवेंट इज नॉट डिफाइंड, अभी भी ये हैंडल इवेंट डिफाइंड नहीं है, ओके। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि तो इसका इंस्टेंट हमने बाइंड नहीं किया है। मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करता हूँ दिस, ओके, कीवर्ड यूज करूंगा दिस, ओके। तो दिस डॉट हैंडल इवेंट ये भी एरर क्यों दे रहा है, ओके, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी तक बाइंड नहीं किया है, ओके। तो हम लोग इसको बाइंड कर देंगे, राइट। मैं इसके अंदर कुछ प्रॉप्स को पास कर देता हूँ, ओके। क्या कर रहा हूँ देखिए, मैं प्रॉप्स को यूज करता हूँ, ओके। ये जो प्रॉप है, ये प्रॉप सुपर नाम के साथ प्रॉप यूज किया मैंने, और इस प्रॉप को मैं इसके अंदर कंसोल कर लेता हूँ, दिस डॉट प्रॉप, ये करेक्ट है? यस सर। नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों करेक्ट नहीं है, उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो, ये प्रॉप इसके अंदर है और मुझे इसको प्रॉप को यूज करना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये जो मेथड है, दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, उसी को मैं बैंड करता हूँ, दिस डॉट। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एरो फंक्शन नहीं दिया, इसलिए वो एरर आ रहा है। इसको एरो फंक्शन में बदल देते हैं हम लोग, सर अभी भी एरर आ रही है सर, प्रॉप्स और हैंडल इवेंट वाले दोनों को नॉट डिफाइंड बता रहा है। एक मिनट है, इसको चेक करते हैं। जी सर। ओके सर, देखो, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है हैंडल इवेंट, ओके। इसको मुझे पॉइंट करना पड़ेगा किससे, दिस डॉट हैंडल इवेंट से। देखो, एक गलती के कारण हम लोगों को एरर आ रही थी, दिस डॉट हैंडल इवेंट से हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है, ओके। अभी मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये है क्या, फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रही है, ओके। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वैल्यू आपको नजर आएगी। और दूसरा, मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, जो अननेसेसरी थिंग्स है वो। और कंसोल के अंदर हम लोग देखते हैं, अब कंसोल के अंदर दो तीन वार्निंग नजर आ रही होगी। वार्निंग क्या नजर आ रही है, वैल्यू ऑफ प्रॉप टू फॉर्म अ फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, ओके। जब आप इनपुट बॉक्स लेते हैं, तो इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू लेने लेते हैं, वो वैल्यू ये एक्सपेक्टेड है कि हम लोग इसे किससे लेंगे, हम लोग ऑन चेंज हैंडलर से, ओके। तो ऑन चेंज हैंडलर से हम लोग वो वैल्यू वहां पे लिखते हैं, ओके। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, अगर वो कि प्रॉप, देखो प्रॉप हमारे क्या रहते हैं, प्रॉप्स आर नथिंग बट द प्रॉपर्टीज, ओके, जो चेंज होती रहे, ओके। तो क्योंकि प्रॉप ये हमेशा इम्यूटेबल रहता है, राइट, ओके। और स्टेट ये म्यूटेबल होती है, ओके, फाइन। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने इसके अंदर एक कंसोल स्टेटमेंट दिया, ये जो वैल्यू है अल्फा एकेडमी, अगर मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यही वैल्यू आपको बाइंड करके मिल रही है, दिख रहा है ये, राइट, ओके। अगर मैं इसके अंदर अगर ये वैल्यू को चेंज कर देता हूँ डायनामिकली, अल्फा एकेडमी की जगह पे लिखता हूँ, हरदा कोडिंग, ओके। तो अभी ये हरदा कोडिंग यहाँ पे आ गए, यही वैल्यू आपको कंसोल के अंदर इवेंट के बाद बाइंडिंग से मिल जाएगा, ओके।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक में के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये हर दा कोडिंग मिलता है। ओके, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैं इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। जैसे आपको, आपने यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कुछ परफॉर्म नहीं किया है, आपने जस्ट क्या किया, आपको जो वेरिएबल चाहिए था, जो मेथड चाहिए थी, उस मेथड को आपने इनिशियलाइज कर दिया। जब भी आप लोगों को किसी वेरिएबल को, किसी मेथड को इनिशियलाइज करना रहता है, इसी जगह पे आप क्या करते हो, आप प्रॉप को, सॉरी, आप यूज करते हो एक एक कंस्ट्रक्टर को, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आप इनिशियलाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टर को यूज करते हो। ओके, इस चैप्टर को सेपरेट क्यों पढ़ाया गया है, उसके पीछे रीजन है कि मैं रीजन दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि हमने इसको सेपरेट क्यों पढ़ाया। ओके, हम लोग लर्न कोर्स के ऊपर जाते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट में जाते हैं, कंटेंट में अगर रिएक्ट जेएस में अगर जाएंगे तो ये आपका कंस्ट्रक्टर नाम का चैप्टर है। कंस्ट्रक्टर नाम के चैप्टर में आपने ये कंप्लीट पढ़ा। ओके, ये डेटा हैंडलिंग पढ़ा आपने, उसके बाद ये देखिए कंस्ट्रक्टर किसके लिए यूज किया जाता है। ओके, एक पहला पर्पज है कंस्ट्रक्टर हम लोग इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, दूसरा दूसरा पर्पज क्या है कि आपको अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर यूज करना है तो आप दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज भी करके दिखाया। इनिशियलाइजिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मतलब फिर थर्ड मतलब पार्टी मतलब क्या हो गया, और कोई से ऑब्जेक्ट या जो उस प्रॉप एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, जो उस एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, ऐसी चीजों को इनिशियलाइज करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसका फॉर्मेट लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इसके पहले आपने डेट को डिस्प्ले किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट है। जी ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। ओके, डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक सर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख रहा हूँ, राइट है। ओके, और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि मैंने न्यू डेट कर दिया, जो बुक नाम की लाइब्रेरी नहीं, लेकिन मैंने न्यू डेट कर दिया। ओके, और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसी को कंसोल कर देता हूँ यहाँ पे। क्या मैं कंसोल यूज कर सकता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर? यस सर कर सकते हैं। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू करूंगा डेट। ओके, डेट नाम की वेरिएबल को मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है, एक एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है, डेट इज नॉट डिफाइंड, क्यों एरर आई। हाँ, सर हमको मतलब डेट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। डेट को डिफाइन करना पड़ेगा, यस इसको सर कैसे डिफाइन करेंगे। सर जैसे हमने हाँ दिस डॉट स्टेट से ऐसे चलेगा, देखो यस सर हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। ओके, इनिशियलाइज करने के बाद में आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे मैं कंसोल के अंदर दिखाता हूँ, तो कंसोल के अंदर देखो हरदा कोडिंग नाम का ये किया आ गया। ओके, और उसके नीचे आज का डेट आया है 2 बार, राइट। जी सर ओके, ऐप कंपोनेंट के अंदर लिख रहे हैं इसलिए 2 बार वहाँ पे डेट आ गया है। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन जैसे जैसे रन हो रहा है वैसे वैसे हम लोगों की डेट वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ओके, फाइन, तो डेट इस सिस्टम का भाग पार्ट, ओके, डेट इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन उसी को मुझे इनिशियलाइज करने के लिए, देखो मैंने जेएसएक्स के अंदर डेट से रिलेटेड कुछ भी चीजें नहीं लिखी है। यस ओके, सर देखो जेएसएक्स के अंदर जो भी रेंडर के
एसोसिएटेड है। वहां पे डेट नाम का कोई भी चीज मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जो सिस्टम का पार्ट नहीं है ऐसी चीजों को भी हम लोग इनिशियलाइज करने के लिए ओके हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं ओके। आप इसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप थर्ड चैप्टर मतलब इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जहाँ पे आप लोगों को कंस्ट्रक्टर से किसी भी एपीआई को जब कॉल करना रहता है ओके, तो एपीआई को कॉल करते समय उसको हम लोग इनिशियलाइज भी करते हैं जो थर्ड एपीआई। एपीआई मतलब क्या होती है, एप्लीकेशन एक इंटरफेस होती है ओके। उस एप्लीकेशन इंटरफेस को आप कॉल करने के लिए भी क्या कर सकते हो, उसको इनिशियलाइज कर सकते हो यहाँ पे ओके फाइन। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो ओके। मैं क्या करता हूँ अभी इसके अंदर मैं एक डेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टुडे, ये चलेगा क्या? सर नहीं चलना चाहिए। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया राइट, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। लेकिन जब आप रन टाइम में जाते हैं तो रन टाइम में आपको मिल रहा है यहाँ पे जो पुट अप कर रहे हैं वो इनवैलिड डेट है, वो फॉर्मेट इनवैलिड है ओके। यस तो सर। इसका मैंने मतलब क्या है, देखो ये यहाँ पे जो समझा गया है ओके, तो ये थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है ओके, जिसको कॉल करने के लिए भी इसको इनिशियलाइज करने के लिए भी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको यूज कर सकते हो ओके। ये भी यहाँ पे माई बुक लाइब्रेरी के नाम का एक फंक्शन बनाया है, लेकिन हमने इसको कॉल नहीं किया है ओके। तो इसलिए अगर मुझे मैंने अगर बनाया होता तो इसको मुझे कॉल करना पड़ता था ओके। मैंने इसको कॉल नहीं किया है इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये मैंने यहाँ पे डेट नाम पे जो जावास्क्रिप्ट का एक इनिशियल फंक्शन है उस फंक्शन को मैंने कॉल किया राइट ओके। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि आप हमेशा दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। देखो मैं आपने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज किया ओके, यहाँ पे भी देखो आपने दिस कीवर्ड का यूज किया राइट। तो जरूरी है क्या कि आप दिस कीवर्ड का यूज करोगे इसमें, आप सर जरूरी है? अगर मैं नहीं यूज करता हूँ तो एरर आएगी। सर एरर आएगी, उस एरर को मुझे रिमूव करना है तो दूसरा वे है। नहीं सर, दूसरा तो कुछ मेरे को पता नहीं है। कोई एरर उपाय नहीं है, देखिए मैं दूसरा दूसरा उपाय दिखाता हूँ। अगर मैं वहां पे लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट एनवायरमेंट, अगर मैं क्या लिखता हूँ वहां पे प्रॉप्स डॉट एनवायरमेंट ओके, दिस की जगह पे दिस डॉट इसकी जगह पे अगर मैं लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट एनवायरमेंट ओके, कंसोल डॉट के अंदर मैं लिखता हूँ प्रॉप डॉट एनवायरमेंट ओके, सेव करते हैं। एक मिनट है प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड ओके, यहाँ पे यहाँ आउटपुट दिख रहा होगा ओके। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसी को यहाँ से कट कर लेता हूँ सर ठीक है, और टुडे की जगह पे पास करता हूँ
इसके अंदर न्यू की फंक्शनैलिटी नहीं हो रही है, न्यू डेट की फंक्शनैलिटी, अदरवाइज वो आउटकम आ जाता है। वो लोग बिना बिना प्रॉप्स के भी उसको चेक कर सकते हैं, ये एरर क्या बोल रहा है, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। मैंने इधर प्रॉप्स, हाँ सॉरी, इधर प्रॉप्स नहीं पास किया। कह ये हमने क्रिएट किया है, लेकिन लेकिन अगर जब भी हम लोगों को थर्ड पार्टी यूज करनी रहती है ना, तो थर्ड पार्टी के टर्म्स में आप इस तरीके से उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। ओके कि मुझे लाइब्रेरी क्रिएट करनी पड़ेगी, अभी मैंने यहाँ पे वो फंक्शन क्रिएट नहीं किया, इसलिए वो एरर आ रही है। ठीक है फाइन, मैं आपको इसको एक नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग उसको प्रॉप डॉट लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। ठीक है फाइन, तो थर्ड पॉइंट क्या है, हम लोग कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर हम लोग इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, जिससे जहाँ पे आप लोगों को किसी भी थर्ड टियर पार्टी को आपको इनिशियलाइज करना है, तो भी आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हो। ओके उसके बाद आप जब अगर किसी भी इवेंट हैंडलर को अगर आपको क्या करना है, बाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को आपको बाइंड करना है, तो बाइंड कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो, उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया। ओके जो बाइंड कीवर्ड है, ये बाइंड कीवर्ड से हमने क्या कर दिया, तो रन करते हैं। हाँ तो यूज किया, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने इवेंट बाइंड मेथड का यूज यहाँ पे किया कंस्ट्रक्टर के अंदर, ओके उसी तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं एक बाइंड मेथड को भी एज एन इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर। ओके तो आप बाइंडिंग करने के लिए भी कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर सकते हो। ओके फाइन, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है। ओके ये आप इसको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कंस्ट्रक्टर को एक डिटेल वे में समझने के लिए, क्या मुझे आप ऐसा एक प्रोग्राम बना के दिखा सकते हो जिसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे अल्फा एकेडमी लिख के दिखाया, राइट है, यहाँ पे मैंने अल्फा एकेडमी लिख के दिखाया, वैसे ही आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे अपना नाम पास करना है। ओके यू हैव टू पास यूअर नेम, ओके एज एन आउटपुट वैल्यू, ठीक है, आपको एज एन आउटपुट वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे हरदा कोडिंग पास करके दिखाया, तो क्या आप एक्शन के ऊपर यहाँ पे इनपुट बॉक्स में आपका नाम रहेगा, वो नाम आप यहाँ पे पास कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के मेथड से, कर पाओगे? ओके यस सर कर सकते हैं। यस चलिए, सर तो मैं वेट करता हूँ, करिए। यस सर होने के बाद मुझे बताइए, पता होने के बाद। बताना है, पास करना ठीक है, है। हाँ यस सर उसके बाद आगे का हम लोग देखेंगे बाद में। एक एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ओके कंस्ट्रक्टर के बारे में देखिए, कंस्ट्रक्टर के पहले, ओके जैसे आप रिएक्ट, जैसे मैंने कहा कि रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट एक हमारा ES6 के फीचर यूज करता है। ओके
तो ES6 से क्या होता है कि आपकी जो प्रोग्राम है, ES6 के अंदर क्लास नाम का एक फीचर होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो क्लास नाम का फीचर है, इसके पहले ES6 जावास्क्रिप्ट का वर्जन है, ओके, जो 2015 के पहले नहीं था, ओके। तो उसके पहले क्या यूज करते थे, ES5 तक गेट इनिशियल स्टेट नाम का एक फंक्शन यूज करते थे, ओके। हालांकि हम लोग अभी इसको यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं यूज करेंगे उसके पीछे रीजन बताता हूँ, ओके। तो देखो, अगर आप एक एक अगर प्रोग्राम लिखते हो, जैसे मैंने ये जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है, ओके, एक क्लास लिखा गुड मॉर्निंग नाम का, ओके। और अगर इसको प्रोग्राम को अगर लिखना है गेट इनिशियल स्टेट से विदाउट विदाउट यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर, ओके, तो वो प्रोग्राम काफी बड़ी हो जाती है लिखने के लिए, ओके। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को अगर मैं ES6 के क्लास से लिखता हूँ, तो वो ES6 के क्लास से बहुत ही इजी वे से क्या हो जाता है, बन जाता है, ओके। तो देखिए इसकी सिंप्लिसिटी क्या है कि अगर मैं कंस्ट्रक्टर को यूज करता हूँ एक क्लास के अंदर, तो ऑब्जेक्ट अपने आप क्या हो जाता है, इनिशियलाइज हो जाता है। मुझे उसको फिर अपने आप से इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। गेट इनिशियल स्टेट, उसकी जो इनिशियल स्टेट जो होती है उसको हम लोगों को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं रहती, ओके। क्यों नहीं जरूरत रहती, उसके पीछे रीजन है कि जब आप एक कंपोनेंट बना लेते हो, तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर भी क्या हो जाता है, इनिशियलाइज हो जाता है, ओके। लेकिन अगर आपको दूसरे कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कुछ वेरिएबल्स है, कुछ API है, कुछ एप्लीकेशंस के फंक्शंस यस है, सर, कुछ मेथड्स है, इसको अगर आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, तो उस इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, फाइन, ये क्लियर है, ठीक यस सर, है। तो आप मुझे ये बना बना के दिखाइए कि जो आपका जो नाम है, ओके, वो नाम एज एन इनपुट बॉक्स में पुटअप कीजिए और वो नाम वाला तो हो गया है, बोलिए ब्रजेश, हो गया है हो आपका। गया सबका, हो गया बड़े फास्ट हो यार, कैसे क्या हो गया सबसे सर हो जल्दी, गया सर, कंसोल में सबका नाम आ रहा है सर। सबका हम नाम पांच है, मिली है और पांचों का, यस सर हम 6 लोग हैं, 6ों का हो चुका चलो हो गया। तो है। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें दिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्टर आना बहुत जरूरी है, ओके, क्योंकि देखो बिना कंस्ट्रक्टर के आप आगे का चैप्टर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, ओके। मैं इसका इम्पोर्टेंस क्यों बताता हूँ, देखो, ओके, अगर आप सर हम अगर सर बोलिए, मैं ये बोल रहा था कि हम कंस्ट्रक्टर को इजी वे में ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स का यूज करते थे, वैसे ही हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में क्यों यूज करते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर क्यों नहीं यूज करते, उसके पीछे रीजन, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपको कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़े, ऐसा भी नहीं है, ओके। देखिए जब आप कोई भी एक क्लास बनाते हो, तो क्लास बनाते समय आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बिना कंस्ट्रक्टर के भी क्लास बना सकते हो, ओके। वहाँ पे इनिशियलाइज वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन आपको पता होगा कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट ये हमारी क्या रहती है, ये एक स्टेटफुल कंपोनेंट होती है, ओके। मुझे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई अगर वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, कोई कोई मेथड्स है, कोई API है, ओके। API मतलब एप्लीकेशन इंटरफेस, ओके। ये चीजों को अगर मुझे मेरे कंपोनेंट के अंदर यूज करना है, ओके, तो क्या होगा, वो यूज करते समय उस एप्लीकेशन की स्टेट क्या होने वाली है, स्टेट जो इनिशियल जो स्टेट होगी चेंज हो जाएगी, फाइन। जैसे वो अभी जो इनपुट बॉक्स वाला एग्जांपल लिया हमने, राइट, तो उसमें क्या है, अगर मैं अल्फा एकेडमी लिखा है, ओके, यूजर अगर चाहता है तो यूजर उसके अंदर क्या कर सकता है, अपना नाम भी लिख सकता है, राइट। मैं अपना नाम लिखूंगा, आप अपना नाम लिखोगे, तो वो यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है इनपुट बॉक्स के अंदर, राइट, ओके। तो
तो एप्लीकेशन की स्टेट उसके हिसाब से चेंज होने वाली है, उस इनपुट वैल्यू के हिसाब से। फाइन, तो इसीलिए ऐसी जगह पे ऐसी वैल्यूज को इनिशिएट करने के लिए हम लोग, या इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ओके, ये कभी भी ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्टर वहां पे यूज होगा जिस चीजों को आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। ठीक है, नहीं ओके फाइन। और कुछ डाउट है उसमें? सर, कंस्ट्रक्टर में कोई डाउट नहीं। कंस्ट्रक्टर में कोई डाउट नहीं, तो मैं ये क्लियर समझू कि कंस्ट्रक्टर हो तो क्लियर है। ओके, सर, आगे जब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको कंस्ट्रक्टर आपको समझ में आ जाएगा, राइट? आ जाएगा। ओके चलो। ओके, अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया ना। ओके, मैं सर एक मैं मिनट, एक क्वेश्चन है सर, बोलिए। आपने जो वो बूटस्ट्रैप से वो प्रोफाइल वाला बताया था ना बनाने को, बोला था कि आप ट्राई करना, तो हाँ, सर उसको ट्राई किया है, मतलब तकरीबन तकरीबन पूरा बन भी गया है, पर आपके में जो ऊपर जो आपके बारे में डिटेल्स थी और उसके नीचे जो प्रोग्रेस बार थी, उस उन दोनों में बीच में बहुत ज्यादा मतलब गैप था, तो वो गैप नहीं आ रहा है हमसे। अच्छा, मतलब हम मैंने मैंने रो यूज किया है वहां पे। सर मतलब आपने बीच में एक खाली रो छोड़ दी है ना। हाँ, एक एक रो यूज किया है मैंने। ओके, और उस रो को हम मैंने मैंने रो के हिसाब से कॉलम का ग्रिड यूज किया है मैंने, यस सर, मतलब मैंने स्टाइलिंग एक एक भी नहीं यूज की है, बिना स्टाइलिंग के बनाया है सब कुछ वहां पे। यस सर, हमने भी बिना स्टाइलिंग के बनाया है। बूटस्ट्रैप क्या अभी तक आती नहीं थी, फिर उसके बारे में हमने 3 दिन पढ़ा, उसके ऊपर फिर अब बनाया तो सर अब बन चुका है हमसे भी, बस वो थोड़ा अच्छा, गैप वाली समस्या। तो उसको एक रो में ले लीजिए, जो रो है ना, वो रो को अगर आप एडजस्ट कर पाएंगे कॉलम, मतलब ग्रिड सिस्टम में, ओके, तो हो जाएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वो। यस सर, ठीक है, ओके फाइन। यस सर। सर और उस प्रोफाइल को आप असेसमेंट में बना के डाल दीजिएगा। प्रोफाइल वाली तो हो गई है ना आपकी, प्रोजेक्ट यस सर, प्रोफाइल वाली हो गई, वो रिज्यूम वाली मतलब। प्रोजेक्ट वाली, एक वो प्रोजेक्ट करके दिया है ना। यस हाँ, सर, उसको असेसमेंट में नहीं पुटअप करूंगा, उसको प्रोजेक्ट करके पुटअप करूंगा मैं। यस सर, ठीक ठीक है ठीक सर। है ठीक है। तो कितने कंपोनेंट यूज किए आपने? सर उसमें मैंने सर 4 कंपोनेंट यूज किए। और पांच पांच बार है तो एक कंपोनेंट को रीयूज किया। यस सर, एक कंपोनेंट को रीयूज किया है, वो प्रोग्रेस बार वाले को। सर ओके ओके ठीक है। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं उसमें कि प्रोग्रेस बार अगर मैं यूज करूंगा, ओके, और तो प्रोग्रेस बार को ही एक कंपोनेंट करके उसमें अलग अलग प्रॉप पास कर सकता हूँ क्या मैं? यस सर, कर सकते हैं अभी भी, मतलब एक ही बार बनाया पर 2 बार उसमें प्रॉप्स पास करे, तो एक में हमने मतलब प्रोजेक्ट स्किल दिखाई है और एक में प्रोग्रामिंग स्किल दिखाई है। अच्छा, नहीं मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। जैसे देखो, आपने अगर HTML लिखा, HTML की वैल्यू अगर आपकी 80% होगी, ओके, तो प्रोग्रेस बार नाम का एक कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, उस प्रोग्रेस बार नाम के कंपोनेंट में आप प्रॉप पास करोगे सर, जैसा 80%, यस दूसरा रहेगा 70%, 50%, 60%, ऐसा अलग अलग वैल्यू आप पास कर सकोगे तो उसी उसी कंपोनेंट में। यस सर, ठीक है, चलिए उसको फिर देखेंगे हम लोग। ओके, कि किस तरीके से आपने बनाया है। ओके, मैं कब तक पुटअप करूँ? मैं पुटअप कर देता हूँ ये वीकेंड तक, पुटअप कर देता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है ठीक यस सर। है, चलेगा। और कुछ प्रॉब्लम है? ठीक नो सर, है, तो हम लोग कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे API। यस सर, लेकिन API के लिए आज इन्होंने मिस कर दिया है ना लेक्चर, आज का बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया। ठीक है, तो उनको API बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि देखो मैं अगर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो API को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यस
जिसको कंस्ट्रक्टर ही नहीं आता है उसको एपीआई तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो कल जो इतने लोग अब्सेंट हैं ना, मैं उनसे पूछूंगा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे। ठीक सर, है, तो कल का लेक्चर हम लोग कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही लेंगे, लेकिन एपीआई के टर्म्स में। ठीक है, यस ठीक, चलेगा। सर। और मतलब हमारे जो लास्ट लेक्चर्स की आप वीडियो अपलोड करने का बोल दीजिएगा। ठीक है ठीक है, मैं अपलोड करवाने को बोल देता हूँ। ठीक है। चलिए वाइंड अप करेंगे सेशन को।